ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा जारी है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के तेवर अचानक तीखे क्यों हो गए हैं। क्या शराब दुकान पर पहुंचकर पत्थर मारकर उमा भारती ने जनता के लिए खड़े होने का संकेत दिया है, या एक समय में उग्र और शक्तिशाली नेता रही उमा भारती ने ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा किया। कुछ जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि राजनीति की ये संत अब खामोश नहीं रहेगी। आपको बता दें, इस घटना से पहले उमा भारती प्रदेश में कई बार शराबबंदी के लिए आंदोलन का ऐलान कर चुकी थी। हालांकि हर बार आंदोलन की डेडलाइन बढ़ती गई। अब उमा भारती की अचानक हुई इस अति सक्रियता से प्रदेश भाजपा के सामने एक बड़ी समस्या आ पड़ी है, क्योंकि उमा भारती पहले ही यह स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि वे 2024 का चुनाव लड़ेगी। ऐसे में मध्य प्रदेश में उनके लिए एक सीट तय करना पार्टी के लिए नई उलझन होगी। आपको बता दें, बीते हफ्ते की शुरुआत में बीजेपी की उमा भारती ने भोपाल में एक शराब की दुकान में तोड़फोड़ की। उनके द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में भारती को शराब की बोतलों पर पत्थर फेंकते हुए दिखाया गया। एक दिन बाद उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर बताया कि उन्होंने क्षेत्र में महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए इस काम को अंजाम दिया। उमा भारती राज्य में शराबबंदी की मांग कर रही है। वहीं सियासी जानकारों की माने तो उमा भारती में असुरक्षा बढ़ रही है, क्योंकि नए और मजबूत कैंडिडेट्स के साथ बीजेपी फल फूल रही है। बीजेपी के कई नेता मानते हैं कि उमा भारती की असुरक्षा पिछले सालों के दौरान बढ़ी है, क्योंकि कई नए मजबूत नेता सामने आ रहे हैं, जैसे नरोत्तम मिश्रा या भूपेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी टीम को भी उमा भारती से ज्यादा तहरीज दी जा रही है। इसमें भी उमा भारती परेशान चल रही है। तो वहीं सियासी जानकार बता रहे हैं कि उमा भारती ने इसके जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। 2024 के चुनाव में लड़ने की बात जहां तक है, उमा भारती एमपी के लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी, उनमें भोपाल और खजुराहो शामिल है। खजुराहो में वर्तमान में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सांसद है, इसलिए यहां से उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए यह संभव कम ही है। राजनीतिक पंडितों की माने तो भोपाल उमा भारती के लिए मुफीद संसदीय क्षेत्र हो सकता है। यहां अपने विवादास्पद बयानों के कारण चर्चित वर्तमान सांसद से पार्टी का एक खेमा नाराज है। गांधी जी पर दिए बयान के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने भी नाराजगी जताई थी। इसके अलावा एक और संसदीय क्षेत्र नर्मदापुरम उमा भारती के लिए मजबूत क्षेत्र माना जा रहा है। यह संसदीय क्षेत्र भाजपा का गढ़ है। यहां से भाजपा के सरताज सिंह ने कांग्रेस के अर्जुन सिंह जैसे दिग्गज को शिकस्त दी थी। इसके बाद प्रदेश के वरिष्ठ नेता सुंदरलाल पटवा भी यहां से सांसद रहे। होशंगाबाद में निगम मंडलों के वर्तमान और पूर्व अध्यक्ष विधायक उमा भारती के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में उन्हें वहां चुनावी जमीन तैयार मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अपने स्वतंत्र स्वभाव और मनमर्जी व्यक्तित्व के लिए जानी जाने वाली 2003 के चुनावों के दौरान उमा भारती का शानदार उदय हुआ था। उमा भारती ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक दशक लंबे शासन को समाप्त करने के लिए एक जोरदार अभियान का नेतृत्व किया। कांग्रेस तब से मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर है। हालांकि 2018 में कम समय के लिए पार्टी फिर से सत्ता में लौटी थी। राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रही उमा भारती ने 2003 में मुख्यमंत्री का पद संभाला, लेकिन केवल एक साल के लिए, क्योंकि हुबली दंगों के मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं अपने जमाने की फायरब्रांड नेता उमा भारती दो बार मध्य प्रदेश से, एक बार उत्तर प्रदेश से लोकसभा की सदस्य चुनी जा चुकी है। उमा भारती ने सबसे ज्यादा 4 बार 1989 से 1999 तक खजुराहो से प्रतिनिधित्व किया। 1999 में भोपाल से सांसद का सफर तय किया। 2014 में उन्हें उत्तर प्रदेश की झांसी सीट से संसद पहुंचने का टिकट दिया गया। अपने पॉलिटिकल करियर में उमा भारती दिसंबर 2003 से अगस्त 2004 तक मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही।
पॉलिटॉक्स ब्यूरो भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।